आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सोने की कीमतों का टूटा 28 महीनों का रिकॉर्ड। सोना और जो चांदी है उस पर जो कस्टम ड्यूटी लग रही है उसको रैशनलाइज करने की बात कही गई है, तो सोना सस्ता हो सकता है आने वाले दिनों में, ये बड़ी बात है। तो फरवरी से पेश होने वाले आम बजट से बुलियन इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में उनका ध्यान रखें। 57,000 के ऊपर गोल्ड के दाम जा चुके हैं घरेलू वायदा बाजार में, और स्पॉट मार्केट में तो दाम और भी ऊपर हैं। इतिहास में पहली बार 10 ग्राम सोने का भाव 57,000 के ऊपर गया है। तो अब सवाल यह है कि जब दाम इतने तेजी से ऊपर गए हैं तो इस बड़ी तेजी के बीच ज्वेलरी की खरीद कैसे की जाए, क्या सस्ती ज्वेलरी खरीदने का कोई विकल्प है आपके पास, क्या रास्ते हो सकते हैं, और क्या आने वाले वक्त में गोल्ड के दाम और बढ़ने वाले हैं। सोने और चांदी की कीमतों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोने का भाव 57,000 रुपए के पार पहुंच चुका है, तो वही सोने की कीमतों पर रॉयटर्स का मानना है कि आने वाले कुछ समय में और तेजी देखने को मिल सकती है। वही अगर भारत की बात करें तो बजट 2023 में सोने चांदी पर कोई अच्छी खबर आती है तो भारत में सोने की कीमतें कम हो सकती है, यानी कीमतों में गिरावट आ सकती है। अगर आप भी चाहते हो कि सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।